कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं, अक्ल इसे माने या ना माने। ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। भाग क्यों रहे हो? तुम मुझसे बात करो। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। तुम मुझसे बात करो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैंने यहां के बड़ी गलती की।
तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? इतनी हिम्मत करके यहाँ आए हो तो मुझसे बात करो। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ो। इंस्पेक्टर अमित श्रीवास्तव, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इंस्पेक्टर, उस लाला विले में एक और मौत हो गई है। ओह सर, इस लाल हवेली का मामला दिन ब दिन संजीदा होता जा रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट ने जमीन नीलामी में ली थी और बहुत जल्द हम उस जमीन पर अपना हेडक्वार्टर तामीर करना चाह रहे हैं। हमने अपने डिपार्टमेंट के दो केयरटेकर्स भी भेजे थे, मगर अफसोस कि उन दोनों की मौत हो गई और उस दुनिया वालों के सामने उन दोनों की मौत राज बनकर रह गई। इंस्पेक्टर, मैंने तुम्हें इसलिए यहां बुलाया है कि तुम्हें इस राज से पर्दा हटाना है। इससे पहले कि मीडिया खाम खा शोर मचाने लगे, होम मिनिस्ट्री जवाब तलब करे, तुम्हें हर हाल में इस केस को सॉल्व करना है। दो, द टास्क इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी डेंजरस। सर, मुश्किलों का मुकाबला करना और खतरों से खेलना तो हमारा पेशा है, हमारे फर्ज की पहली सी। हाँ अमित, ये एक चैलेंज है तुम्हारे सामने और मैं इस चैलेंज को कबूल करता हूं। सर, आई वेरी वेल एक्सेप्ट दिस चैलेंज। मैं देखना चाहता हूं कि इसके पीछे किस मुजरिम का शातिर दिमाग काम कर रहा है। सर, आई पर्सनली फील, मेरे ख्याल से वो लोग इस हवेली को भूतिया हवेली साबित करके पुलिस डिपार्टमेंट का उस हवेली से कब्जा छीन लेना चाहते हैं। बट बी अश्योर्ड सर, इत्मीनान रखिए, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ कहो। आई नीड अ फ्री हैंड सर। श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, स्टॉप लग। अरे, तुम तो मुझे देख के ऐसे चौंक रहे हो जैसे कोई भूत प्रेत देख लिया। अब क्या कहूं मोना, बस अभी अभी तुम्हारे बारे में सोच रहा था और तुम यहां हाजिर। हाउ स्वीट। वो कहते हैं ना, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज देयर।
अब अंदर आ जाओ। अंदर? यू मीन यहां? तो पूछने की क्या जरूरत है, आ जाओ ना। कम। क्या बात है इंस्पेक्टर अमित, तुम मुझसे इतना घबरा गए हो कि शहर छोड़ के भागने का इरादा कर लिया? ऑब्जेक्शन एडवोकेट मोना साहिबा, मैं शहर छोड़कर नहीं भाग रहा हूँ। हाँ, अलबत्ता घर छोड़कर पूरे एक हफ्ते के लिए लाल हवेली में रहने का इरादा कर लिया है मैंने। लाल हवेली? ओह माय गॉड अमित, उस जगह के बारे में तो सुना है मैंने। अच्छा, वहाँ कई मौतें हो चुकी है, वो हवेली तो हॉन्टेड है। नहीं अमित, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी सुहागन बनने से पहले विधवा नहीं बनना चाहती। ओह शट अप मोना, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। और सुनो, अगर मुझसे मिलने का इरादा करे तो दिन में 11 से 1 और शाम में 5 से 7, राइट? अमित, पर तुम अकेले वहाँ करोगे क्या भाई? अरे भाई, पुलिस वाले आते हैं, तफ्तीश करके टांग झांक करके चले जाते हैं, कोई डेरा नहीं डालते। और तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे लाल हवेली का कातिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और वो कह रहा है वहाँ बैठ के कि आओ इंस्पेक्टर अमित, मेरे हाथों में हाथ करी डालो और मुझे ले चलो। सही है वकील साहिबा, लेकिन माफ कीजिए आपकी दलीलें, मेरा इरादा नहीं बदल सकती। ओहो, मुझे वैसी देर हो रही, चलो मैं चलूं। अरे रे, तो मैं भी चलती हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें हवेली तक छोड़ आऊंगी। लेकिन इसकी इजाजत नहीं है। ओके चलो। सुनो, अपना ख्याल रखना। अरे पगली, मैं तुम्हारा ख्याल भी तो अपने साथ ले जा रहा हूँ। टेक केयर। चलो, एटलीस्ट फोन तो चल रहा है। अब थोड़ी देर में
ये भी बंद हो जाएगा। कौन हो तुम? कौन? रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। या अरे मोना, तुम ये क्या बदतमीजी है? जनाब मैं ये देखने आई थी कि आप भूतों का मुकाबला कर सकते हो कि नहीं। देख लिया, ठीक है। नाउ जस्ट बेयर इन माइंड, भूल कर भी दोबारा कभी ऐसा मजाक मत करना। अरे अंधेरा था और मैं मुजरिम समझ के तुम्हारा पीछा कर रहा था। होना तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं मुजरिमों के साथ कितना सख्ती से पेश आता हूं। मेरी गन हमेशा लोडेड रहती है और मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। हाँ हाँ जानती हूं, फिर भी ऐसा मजाक करने की हिम्मत करती हो तुम? आई टेल यू मोना, तुम्हारी ये मजाक करने की आदत तुम्हें कभी बहुत महंगी पड़ सकती है। खैर, इस वक्त तुम्हारे आने की वजह पूछ सकता हूं? इतने गुस्से से पूछोगे तो वजह नहीं बताऊंगी। मैडम, इस वक्त आपके यहां आने की वजह पूछ सकता हूं? That's better. दरअसल मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं। मैंने सोचा कहीं तुम्हें भूखे ना सोना पड़े, और वैसे भी ऐसे भूतिया महल में खाना जो कभी नहीं खाया था, सोचा के मजा आ जाएगा। लेकिन मोना, तुम यहां आई कैसे? मेरा मतलब है, तुम्हारे आने तक का पता नहीं चला। अरे कैसे इंस्पेक्टर हो भाई, हाँ? और कातिल को कैसे पकड़ोगे? अरे बाबा, मैं रिक्शा में आई थी और रिक्शा मैंने मेन रोड पे ही छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारे लिए दरवाजा किसने खोला? दरवाजा तो खुला हुआ था। हुँ? भाई मैंने जरा सा पुश किया और दरवाजा खुद ही खुल गया। क्या बात है अमित? नहीं कुछ नहीं, शायद मैं दरवाजा बंद करना भूल गया था। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। नहीं नहीं अमित, आज रात यहीं रहते हैं और यहीं पे ढेर सारी बातें करते हैं, और इन केस भूत तुम्हें मिल भी जाए तो उसे मेरे पास ले आना, मैं सब संभाल लूंगी। नो 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 मोना, तुम्हें यहां से जाना ही पड़ेगा। बड़े जिद्दी हो ना तुम, चलो चल आओ। अरे अमित, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? हो सकता है तुमने बंद कर दिया हो। मैंने इसलिए तो तुम्हें दिल दिया क्योंकि तुम बहादुर हो, निडर भी, और हमेशा खतरों से खेलते हो। पर कभी कभी डर लगता है, इसलिए तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए भगवान से दिन रात प्रार्थना करती हूँ। Thank you.
रुक जाओ। अमित श्रीवास्तव, ये तमाशा तो दिल दहला देने वाला था, मगर दिलचस्प भी। इसे देखकर किसी भी कमजोर इंसान के दिल का धड़कना बंद हो सकता है। खैर, तुम जो भी हो मुझसे नहीं बच सकते। मैं आत्मा पर तो यकीन करता हूं, मगर भूत प्रेत पर नहीं। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। यस। तुम हवेली में कैसे आई? दरवाजा तो बंद था। अरे ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से रात में आई थी, लेकिन दरवाजा बंद नहीं, खुला हुआ था। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। मोना, ये चाय कैसे बनाई तुमने? अरे किचन में। लेकिन किचन में तो सामान, सारा सामान मौजूद है ना वहाँ। देखो, दूध है, चाय की पत्ती है, शक्कर है, सब कुछ तो है। देखो देखो अमित, मुझे ऐसे डराने की कोशिश मत करो। अरे तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे किचन में कुछ था ही नहीं और कोई भूत प्रेत आके सामान रख के चला गया। देखो इंस्पेक्टर अमित, मेरा नाम मोना ठक्कर है। क्या पेशे से तो मैं वकील हूँ, पर नेशनल हॉकी टीम की कैप्टन भी हूँ। वैसे एक बात बता दूँ, ये मैं सिर्फ आप ही के साथ हूँ, सॉफ्ट सॉफ्ट सी। नहीं तो मेरी एक हिट है ना। ठीक है ठीक है, चाय बनाओ। ओके। थैंक यू। अमित, सुनने में तो ये बातें बड़ी दिलचस्प लगती हैं, लेकिन सर इसमें लेकिन की कोई बात ही नहीं, क्योंकि जो खौफनाक मंजर कल रात मैंने वहां देखा, उसे अगर कोई भी कमजोर इंसान देख ले तो वहीं उसका हार्ट फेल हो जाए। तो ये भी हो सकता है कि जो लोग वहां मरे हैं उन्हें इसी किस्म के खौफनाक या डरावने माहौल से गुजरना पड़ा होगा, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने वहां कोई भयानक शक्ल देख ली हो जिसे देखकर उनका हार्ट फेल हो गया हो। बट खास बात यह है सर कि मुझे वहां कोई भी भयानक शक्ल नजर नहीं आई। लेकिन तुम्हारा अगला कदम क्या है? सर, अब अगला कदम भी उन्हीं का होगा, मुझे पूरा यकीन है। आज की रात वहां कुछ ना कुछ जरूर होगा। बी केयरफुल अमित, अपनी मदद के लिए पुलिस हमले की जरूरत है तो साथ ले जाओ। सर, ये भूतों का खेल है, और भूत भीड़ में नहीं वीराने में आते हैं, सन्नाटे में आते हैं। अब उनसे मुलाकात तन्हाई में ही होगी।
कौन है? Mona, now this is too much. मुझे तुम्हारी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं। माना कि हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे पेशे, मेरे फर्ज के साथ खिलवाड़ करो। No, I'm sorry, मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे तुम तो इस मामले को जानती हो कि यह मामला कितना पेचीदा है, कितना संजीदा है, फिर भी इस किस्म की हरकत कर रही हो। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ऐसी बेहूदा हरकत करके तुम क्या साबित करना चाहती हो। हाँ बोलो, जवाब दो। मोना, मैं तुमसे जवाब तलब कर रहा हूं। आई वॉन्ट अ रिप्लाई फ्रॉम यू। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो। अरे तुम एक वकील हो, इस केस की सीरियसनेस को अच्छी तरह समझती हो, फिर भी बोलो मोना, जवाब दो। मोना, 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 रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ, रुक जाओ। तुम बिना जवाब की नहीं जा सकती। रुक जाओ, रुक जाओ। तुम मोना नहीं हो? हाँ। मैं मोना नहीं हूं, मैं माधवी, मिसेज माधवी कैलाश राय। मगर आपका तो कत्ल हो चुका है। हाँ इंस्पेक्टर अमित, मेरा कत्ल हो चुका है और मेरे कत्ल का मुकदमा भी चला, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला और इंसाफ की तलाश में मेरी आत्मा भटक रही है। इस हवेली में जहां आप इस वक्त खड़े हैं, ये मेरे पुरखों की है। तो आप इंसाफ की तलाश में भटकने वाली एक आत्मा है। अपने बदले की आग को बुझाने के लिए बेकसूरों की जान लेने का क्या हक पहुंचता है आपको? इंस्पेक्टर अमित श्रीवास्तव, मैंने किसी को भी जान से नहीं मारा। तो इस हवेली में जो इतनी सारी मौतें हुई हैं, उनका कातिल कौन है? वो सभी अपने कातिल खुद हैं, खुद ही अपनी मौत के जिम्मेदार। वाह, लेकिन आपके सिवा तो इस हवेली में और कोई नहीं है। मैं यहां आने वाले हर आदमी से मदद की फरियाद करती रही, लेकिन यहां आने वाला हर आदमी डर का, खौफ का शिकार होता रहा। कोई हवेली की छत से गिरकर मर गया, तो किसी की खौफ की वजह से दिल की धड़कन रुक गई। फिर आप आए, आपने खौफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं आपसे मदद की उम्मीद कर सकती हूं। आप मजबूत दिल और मजबूत इरादों के मालिक हैं, और इस बात का सबूत मुझे कल रात मिला जब आपकी महबूबा मोना ने आपके साथ वो खतरनाक मजाक किया। मैं कातिल नहीं इंस्पेक्टर अमित, फरियादी हूं। मेरी मदद कीजिए। मुझे कानून से कोई शिकायत नहीं, मुझे शिकायत है उन गवाहों से जिन्होंने अदालत में सच्चाई सामने नहीं आने दी। सारी दुनिया जानती है मैं शहर के मशहूर सर्जन डॉक्टर कैलाश राय की पत्नी थी। उनका समाज में बहुत नाम है, रुतबा है, इसीलिए मुझे भी सम्मान मिला, इज्जत मिली। लेकिन अदालत में सच्चाई सामने नहीं आई। देखिए मिसेस राय,
सच की जो भी तस्वीर है वो तो सिर्फ आप ही बयान कर सकती हैं। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूं इंस्पेक्टर। मेरे कातिल को सारी दुनिया निर्दोष मानती है और वो ऐश की जिंदगी जी रहा है। देखिए, आपने मुझ पर यकीन किया है तो इत्मीनान रखिए, कातिल को अपने किए गए गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। आप सिर्फ ये बताइए, आपका कातिल है कौन? मैं बताती हूं आपको, वो 27 दिसंबर की रात थी, हमारी शादी की 7th वेडिंग एनिवर्सरी। और आप अकेली आई हैं, आपके साथ कोई नहीं आया? विश यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू, थैंक यू। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अरे भाई, आप अकेली ही खड़ी हो, आपका आधा अंग कहाँ है? बस आ ही रहे हैं। अच्छा अच्छा। Thank you. Thank you very much. Thank you. Happy anniversary. Thank you. Thank you. Happy anniversary. Thank you. Sorry for being late, John. Dr. Kailash, शादी की सालगिरह मुबारक हो। Thank you very much. Thank you very much. कहिए, क्या लेंगे आप? आप शरबत में मिलाकर जो भी देंगे पी लेंगे। वैसे भी आजकल मिलावट का जमाना है, प्योर चीज मिलती ही कहाँ है। You are right. Waiter. ये लीजिए, ये खाली शरबत नहीं है, इसमें कुछ खास मिला हुआ है। थैंक यू लेडी, सॉफ्ट ड्रिंक फॉर यू। थैंक यू। चीयर्स। बैठा। यस सर। ये बुक ले जाओ, रख दो। ओके सर। साथ में ये भी। एक्सक्यूज मी माधवी, मेरे कुछ खास दोस्त हैं। Just come with me to welcome them. Hello, जी. Hello. How are you? Welcome, friends. Congratulations, Dr. Kailash Roy. Happy wedding anniversary. Thank you. Congratulations. Thank you. This is for you. Oh, this is lovely. Thank you very much. Mrs. Roy, हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, please accept it. इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी। आप इसे देख लीजिए, शायद आपको पसंद आए। जरूर। डॉक्टर साहब, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने ब्यूटीफुल हैंड से भाभी जी को ये नेकलेस पहनाएं। डेफिनेटली, माय प्लेजर। वाओ, हाउ ब्यूटीफुल। इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच। It's looking very beautiful. Thanks again. Friends, let's continue the party out here. Friends, इस बार लिफाफे का वजन कुछ हल्का है। आपकी तरफ से भी इस बार माल की सप्लाई हल्की रही है। लेकिन friends, इस बार मैं आपको ऐसा माल सप्लाई करूंगा जिसका वजन हल्का जरूर होगा लेकिन धमाका बहुत बड़ा होगा। आई एम श्योर कि आपके फ्रेंड्स बहुत खुश होंगे। व्हाट आर यू ऑफरिंग अस? क्या है इस बार? इस बार मेरे हाथ मिसाइल टेक्नोलॉजी तक पहुंच गए हैं। क्या? व्हाट? जी हाँ, इस वक्त वो माल मेरी लाइब्रेरी में है। फिर तो डॉक्टर ये समझ लो आपके बारे नारे हो जाएंगे। भला ये कौन सोच सकता है कि डॉक्टर कैलाश हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अरे फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ तो चलना ही है। सर्जरी की प्रैक्टिस नहीं चली तो विदेशियों से दोस्ती चल पड़े। ओह डॉक्टर कैलाश, यू आर ट्रू फ्रेंड। चीयर्स।
Long live the friendship. And you know, friends. Maathri?